हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में नॉमनक्लेचर सिस्टम। नॉमनक्लेचर सिस्टम में हमने शुरू कर दिया था रिप्लेसमेंट नॉमनक्लेचर सिस्टम। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट नॉमनक्लेचर सिस्टम ऑफ ब्रिज्ड हेट्रोसाइकिल। ब्रिज हेट्रोसाइकिल के नॉमनक्लेचर जो है वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, बायसाइक्लिक सिस्टम और पॉलीसाइक्लिक सिस्टम। अब देखिए, ब्रिज हेट्रोसाइकिल क्या होता है। ब्रिज हेट्रोसाइकिल को हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक साइकिल है, ठीक है। यहाँ हम कहें कि ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, और इसको हम कहें तो ये भी एक साइकिल है। तो ये जो दो साइकिल है, इसके बीच में अगर कम से कम दो एटम हैं, या हम कहें दो एटम कम से कम कॉमन हैं, तो वो ब्रिज्ड साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। और अगर हेट्रो एटम प्रेजेंट है तो हम उसको ब्रिज्ड हेट्रोसाइकिल कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई इस टाइप से है, एक रिंग है और ये दूसरी रिंग है, तो कहने को तो दो रिंग है, लेकिन यहाँ पर कॉमन एटम कितने हैं? एक। तो जब एक कॉमन एटम होता है तो वो ब्रिज्ड कंपाउंड नहीं कहलाता, ये स्पायरो कंपाउंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पायरो कंपाउंड। तो इसलिए ये है कि कम से कम दो रिंग प्रेजेंट हो, और उन दो रिंग में कम से कम दो एटम जो है वो कॉमन होने चाहिए, उसको हम कहते हैं ब्रिज कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम ब्रिज हेट्रोसाइकिल का नॉमनक्लेचर सिस्टम पढ़ेंगे। अब देखिए, इसको मैंने आपसे कहा कि दो कैटेगरी में मैंने डिवाइड करा है, बायसाइक्लिक सिस्टम और पॉलीसाइक्लिक सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं बायसाइक्लिक सिस्टम को। अब देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो ये वाली जो यूनिट है नॉमनक्लेचर वाली, वो आपके थ्योरेटिकल यूनिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने थ्योरी पढ़ी, रूल्स पढ़े और आपको समझ में आ जाएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप उसको नहीं कर सकते। तो मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल से ही समझाता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर आपको नॉमनक्लेचर कैसे करना है। सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि जो नंबरिंग है वो ब्रिज्ड एटम से शुरू होनी चाहिए। कहाँ से शुरू होनी चाहिए? ब्रिज एटम से। तो अब आप देखेंगे कि जो ब्रिज एटम है वो है ये और ये टर्मिनल वाले, ठीक है, जो ब्रिज एटम जो कॉमन है दोनों। आप देखिए, ये वाला जो है ये दोनों रिंग में कॉमन है, लेकिन ये ब्रिज एटम नहीं है, ठीक है। ये आपके जो ब्रिज एटम है दोनों से जो जुड़ रहा है वो है, ठीक है। ये बीच में आ रहा है, इसको हम नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर ये ब्रिज एटम है और ये ब्रिज एटम है। तो आप नंबरिंग यहाँ से भी शुरू कर सकते थे और यहाँ से भी शुरू कर सकते थे, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि आपको शुरू कहाँ से करनी है नंबरिंग, ये तो समझ में आ गई। अब उस नंबरिंग को आगे कहाँ बढ़ाना है? तो देखिए, यहाँ पर आपने अगर मान लीजिए यहाँ से शुरू करी, तो अब आप नंबरिंग जो है यहाँ से बढ़ा सकते हैं आगे, यहाँ से बढ़ा सकते हैं और यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ब्रिज एटम से नंबरिंग शुरू करनी है, उसके बाद आपको जो बड़ी रिंग है उसमें नंबरिंग को कंटिन्यू करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो रिंग है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये जो रिंग है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये रिंग बड़ी है। या अगर मैं इसको हटा दूं कॉमन पोर्शन को, तो 1, 2, 3, 4 इधर हैं और इधर 3 है, तो ये रिंग बड़ी है। तो नंबरिंग हमें यहाँ आगे बढ़ानी है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करता, क्योंकि दोनों में से दोनों ऑप्शन थे, तो 1, 2, 3, 4 जो हेट्रो एटम है वो कौन सी पोजिशन पर आता? 4th पोजिशन पर आता। लेकिन यहाँ पर अगर मैं यहाँ से शुरू करूँगा तो 1, 2, 3 हेट्रो एटम कौन सी पोजिशन पर आ रहा है? 3rd पोजिशन पर। तो देखिए, आपने क्या देखा कि नंबरिंग आपको शुरू करनी है ब्रिज एटम से। दूसरा पॉइंट, आपको नंबरिंग आगे कहाँ बढ़ानी है? जो बड़ी रिंग है वहाँ पर आपको रिंग नंबरिंग जो है आगे बढ़ानी है। तीसरा पॉइंट ये कि अगर ऑप्शन है तो वहाँ पर हेट्रो एटम पास में आना चाहिए। तो यहाँ पर ये ऑप्शन और ये ऑप्शन था, हेट्रो एटम पास कर रहा है यहाँ से। तो अब आपने क्या देखा, नंबरिंग कहाँ से शुरू हुई? ब्रिज एटम से, और बड़ी रिंग जो है उसको इसने कवर किया। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ तक हम आ गए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा ब्रिज एटम हम पहुँच गए। तो आपने नंबरिंग कहाँ से शुरू करी? एक ब्रिज एटम से लेकर दूसरे ब्रिज एटम पर, जो कि बड़ा पाथ था। इसके बाद आपको वापस से जो ब्रिज एटम है दूसरा वाला, उससे पहले ब्रिज एटम पर पहुँचना है सेकेंड लॉन्गेस्ट पाथ से। अब सेकेंड लॉन्गेस्ट पाथ देखिए, यहाँ से यहाँ पहुँचते ये छोटा हो जाता, लेकिन ये वाला क्या है? बड़ा है। तो आप यहाँ से आगे पहुँचेंगे 6, 7, 8, 9, और ये आगे नंबरिंग इसको मिल चुकी है। तो देखिए, पहला ब्रिज एटम से शुरू करा, ऑप्शन था तो हेट्रो एटम पास आ गया। उसके बाद पहले ब्रिज एटम से दूसरा ब्रिज एटम, फिर दूसरे ब्रिज एटम से वापस से पहला ब्रिज एटम लॉन्गेस्ट पाथ से, ठीक है, सेकेंड लॉन्गेस्ट पाथ से यहाँ पर आप आ गए। उसके बाद ये आपके बच गया, तो इसको आगे आप कन्वर्ट कंटिन्यू करेंगे। तो ये आपके नंबरिंग थी। तो देखिए, यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है सबसे, वो नंबरिंग का पार्ट है। अब आपने क्या देखा,
कि हेट्रो एटम क्या है, एक हेट्रो एटम है, कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे, और इसमें साइकिल कितनी है, दो। तो देखिए, एक तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि थर्ड एटम पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, तो जो प्रीफिक्स है वो आ जाएगा थ्री ऑक्सो, क्या आ जाएगा, थ्री ऑक्सो, आपको टेबल वन ध्यान होनी चाहिए फर्स्ट वीडियो की। इसके बाद आपके दो रिंग है तो क्या आ जाएगा, बायसाइक्लो, ठीक है, नाम यहां लिखा हुआ है, मैं आपको उसको फ्रैक्शन में बता रहा हूं। तो आपने क्या देखा कि ऑक्सीजन हेट्रो एटम प्रेजेंट है थर्ड पोजीशन पे, तो मैंने लिखा थ्री ऑक्सो, उसके बाद आपके दो रिंग है यहां पर, तो इसलिए मैंने लिखा बायसाइक्लो। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं जब जो ब्रिज एटम है उनको अगर आप छोड़ दो, तो फिर आपको यह देखना है कि जो बाकी जो चेन है उसमें कितने एटम प्रेजेंट है। तो देखिए, यहां पर ये और ये ब्रिज एटम है। अब इसके अलावा मैं देखूं, एक दो तीन चार, चार इसमें है, एक दो तीन, तीन इसमें है, और इसमें कितने हैं, एक। तो आप क्या करते हैं, इसको इस टाइप से लिखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिज एटम को हटाकर जो एटम बच रहे हैं वो आपको अरेंज करना है। तो देखिए, यहां पर ये ब्रिज एटम है, इसको हटा के चार एटम इधर है, तीन इधर है और एक इधर है, तो इसको आपको घटते हुए क्रम में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आपने क्या लिखा, 4-3-1, बात समझ आ रही है। तो ये मैंने इसको क्या करा, छोटे छोटे पॉइंट्स ले लिए। अब जब आप इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, अब देखिए इसमें एक चीज़ और है, आपने टोटल एटम देखे कितने आ रहे रिंग में, 10, तो 10 के लिए हम डेकेन काम में लेते हैं। अब देखिए, इसका जब नॉमेनक्लेचर आप करोगे, तो सबसे पहले आप हेट्रो एटम का प्रीफिक्स लिखोगे, क्या आ रहा है, थ्री ऑक्सा, ऑक्सो नहीं है, सॉरी ऑक्सा है, गलत लिख दिया मैंने, ऑक्सो। सारे जो हेट्रो एटम उनका जो प्रीफिक्स है वो ए पे खत्म होता है, थ्री ऑक्सा, फिर बायसाइक्लो, ये मैंने आपको बता दिया था, उसके बाद ये आएगा नंबरिंग 4-3-1। इसके बाद टोटल एटम कितने हैं, 10, तो उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं, डेकेन, क्या लेते हैं, डेकेन। तो आई थिंक, अब देखिए इसको आप थियोरिटिकल रूल पढ़ेंगे तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा, इसको आप एग्जाम्पल से पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहां पर हमने इसका नाम क्या लिखा, थ्री ऑक्सा बायसाइक्लो 4-3-1 डेकेन, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब देखिए यहां पर अगर आप इसको देखें तो आप देखेंगे कि ये तो ब्रिज एटम हो गए, इसके बाद यहां पर एक एटम है, यहां दो एटम है और यहां दो एटम है। तो अब जब आप नंबरिंग शुरू करेंगे, तो देखिए हमने पहले भी देखा था नंबरिंग कहां से शुरू करनी है, ब्रिज एटम से, कहां से शुरू करनी है, ब्रिज एटम से। अब ब्रिज एटम में आपके पास दो ऑप्शन है, यहां से भी आप कर सकते हैं और यहां से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये देखना होता है कि जो लॉन्गेस्ट रूट है उससे आपको फर्स्ट ब्रिज एटम से शुरू करके सेकंड ब्रिज एटम पे पहुंचना होता है। तो आप देखेंगे कि ये वाला रूट और ये वाला रूट सेम है, ये छोटा रूट है, तो आप नंबरिंग यहां से भी कर सकते हैं और यहां से भी कर सकते हैं, नीचे से भी कर सकते हैं, दोनों साइड से, कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहां से शुरू कर दी, तो नंबरिंग क्या हो गई, 1-2-3-4, फर्स्ट ब्रिज एटम से स्टार्ट करके सेकंड ब्रिज एटम पे आपने नंबरिंग कर ली। उसके बाद सेकंड ब्रिज एटम से वापस फर्स्ट ब्रिज एटम पे पहुंचना है लॉन्गेस्ट पाथ से, तो ये वाला पाथ छोटा है, ये वाला पाथ लॉन्गेस्ट है, सेकंड लॉन्गेस्ट पाथ। तो 4 के बाद 5-6 यहां तक आ गए और वापस हम यहां आ गए। उसके बाद आपको आगे नंबरिंग करनी है, तो ये हो गया 7। तो ये तो थी आपकी टोटल नंबरिंग। अब देखिए इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप ये गलती मत करना कि आपको लग रहा है ये हेट्रो एटम है तो यहां से शुरू कर दें। हेट्रो एटम की प्रेफरेंस तब होगी जब लॉन्गेस्ट रूट को आप फॉलो करेंगे, उसके बाद आपको हेट्रो एटम का ध्यान रखना है, बात समझ में आ गई। अब आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है कि हेट्रो एटम कौन सी पोजीशन पे है, कौन सी पोजीशन पे, 7th पोजीशन पे। कौन सा हेट्रो एटम है, ऑक्सीजन, तो उसका प्रीफिक्स क्या लगेगा, 7-ऑक्सा, क्या लगेगा, 7-ऑक्सा। कितनी साइकिल है, दो साइकिल है, तो प्रीफिक्स क्या लग जाएगा, बायसाइक्लो। तो ये आपके समझ में आ गया, 7-ऑक्सा बायसाइक्लो। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि अगर आप ब्रिज एटम को हटा दें तो उसके बाद आपको चेक करने होते हैं कि कितने एटम बच रहे हैं, जो पाथ बच रहा है। तो देखिए इसको और इसको मैं अगर हटा दूं तो इस पाथ में कितने हैं, दो, इस पाथ में कितने हैं, दो, और इसमें कितने हैं, एक। तो ब्रिज एटम को छोड़कर एक रिंग में दो हैं, दूसरी रिंग में दो हैं, और एक जो पार्ट है उसमें कितने हैं, एक है। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, 2-2-1, बात समझ में आ गई, 2-2-1। और टोटल एटम कितने हैं, 7, तो हम क्या लिखेंगे, हेप्टेन। तो देखिए आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, आपने क्या करा,
फर्स्ट ब्रिज एटम से नंबरिंग शुरू करी, सेकंड ब्रिज एटम पे पहुंचे लॉन्गेस्ट पाथ से, फिर सेकंड ब्रिज एटम से वापस स्टार्ट हुए, फर्स्ट ब्रिज एटम पे पहुंचे सेकंड लॉन्गेस्ट पाथ से, उसके बाद आपने थर्ड जो पाथ है उसको कवर कर लिया। तो ये आपकी नंबरिंग हो गई। हेट्रो एटम आपने देखा सेवन्थ पोजिशन पे, तो आपने लिखा सेवन ऑक्सा, दो साइकिल है तो आपने लिखा बाई साइक्लो, और हेट्रो जो ब्रिज एटम है उसको छोड़ के जो एटम बच रहे हैं जितने, तो दो यहाँ बच रहे हैं, दो यहाँ बच रहे हैं, और एक, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये हो गया 2-2-1 डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। और उसके बाद लास्ट में टोटल एटम कितने हैं, 7, तो आपने क्या लिख दिया हेप्टेन। तो आई थिंक क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ध्यान है कि ये भी ब्रिज एटम है और ये भी ब्रिज एटम है। ब्रिज एटम से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है, पहला पॉइंट। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक ये और एक ये। दूसरा पॉइंट है कि आपको लॉन्गेस्ट पाथ से सेकंड ब्रिज एटम पे पहुंचना है। तो आप जब इस दो ब्रिज एटम को देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अलावा यहाँ यहाँ तीन एटम है और यहाँ भी तीन एटम है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं यूँ और यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं यूँ। तो अब जब आप दोनों में चॉइस करेंगे या दोनों को चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक हेट्रो एटम है और यहाँ पर दो हेट्रो एटम है, पहला पॉइंट, ठीक है। तो आपने क्या देखा, एक साइड एक हेट्रो एटम है, दूसरी साइड दो हेट्रो एटम है, तो यहाँ पर प्रेफरेंस किसको मिल गई, इसको। अब इसमें भी आपको क्या करना है कि दो हेट्रो एटम है, आप नंबरिंग यहाँ से शुरू करें कि यहाँ से शुरू करें। तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि अगर आप यहाँ से शुरू करेंगे तो 1-2-3-4, और यहाँ से शुरू करते तो 1-2-3-4। तो जब दो हेट्रो एटम हैं और दोनों सेम पोजीशन पे आ सकते हैं, जैसे यहाँ से करेंगे तो ये दो पे आ सकता है और यहाँ से करेंगे तो ये दो पे आ सकता है, तो आपको देखना है कि कौन से हेट्रो एटम की प्रेफरेंस ज़्यादा है। तो अगर आपको याद हो टेबल वन में ऑक्सीजन की प्रेफरेंस नाइट्रोजन से क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको इसको प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। तो आप नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1-2-3-4 और ये 5। उसके बाद सेकंड ब्रिज एटम से वापस फर्स्ट ब्रिज एटम पे पहुंचना है तो ये हो जाएगा 6-7-8 और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, ये 9। तो ये आपने नंबरिंग कर ली, ठीक है। यहाँ थोड़ा आपको केयरफुल रहना है कि नंबरिंग में आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि आपको दो ब्रिज एटम है तो दोनों के चॉइस है, आपको वहाँ से शुरू कर सकते हैं। फिर दोनों साइड जो रिंग है उसमें आपको देखना है लॉन्गेस्ट कौन सी है, अगर दोनों की लेंथ बराबर है तो फिर आपको देखना है कि हेट्रो एटम किस में ज़्यादा हैं या किस में नियरेस्ट हैं। देखिए इसमें ज़्यादा भी हैं, दो हैं और नियरेस्ट भी हैं, ठीक है, दोनों चॉइस होगी और उसके बाद आपने इसकी नंबरिंग कर ली। अब आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि हेट्रो एटम कितने हैं और कौन कौन से हैं, वो सारे प्रीफिक्स में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हेट्रो एटम एक से ज़्यादा तरह के हैं तो वहाँ पर आपको उसको स्टार्टिंग में अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिखना है। किसके अकॉर्डिंग लिखना है, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर ये ऑक्सा होता है और ये एज़ा होता है, तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ए पहले आता है, तो आपने क्या लिखा, 4 एज़ा, फोर्थ पोजीशन पे है, उसके बाद आएगा ऑक्सा। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन दो हैं, क्या हैं, दो, तो क्या आ जाएगा, 2 और 7, नंबरिंग क्या है, 2 और 7 डाई ऑक्सा, क्लियर हो गया, 4 एज़ा 2 7 डाई ऑक्सा। उसके बाद कितनी रिंग है, दो रिंग है, तो क्या हो जाएगा, बाई साइक्लो। इसके बाद मैंने आपको बताया था ब्रिज एटम को अगर आप छोड़ दो तो उसके बाद आप एटम काउंट करो, यहाँ तीन है और यहाँ एक है, तो ये आ जाएगा 3-3-1। टोटल एटम कितने हैं, 9, तो क्या आ जाएगा, 9-9। अब देखिए आप यहाँ पर इसको देखेंगे तो इसका जो सम आएगा वो कितना है, 7। तो जब आप यहाँ नाम लिखते हैं तो ये जो नाम है ये 9 को बता रहा है, ये 9 एटम्स को बता रहा है, तो अंदर जो है उसका सम जो है ओवरऑल एटम से 2 कम आता है क्योंकि हमने ब्रिज एटम माइनस कर दिए वहाँ से। तो ये आपके नोमेनक्लेचर हो गया, 4 एज़ा 2 7 डाई ऑक्सा बाय साइक्लो 3-3-1 9-9। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इस एग्जांपल को अगर हम देखें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन हमें जो शुरू के पॉइंट्स है वो ध्यान रखने हैं। नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है, ब्रिज एटम से। अब देखिए ब्रिज एटम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं और एक हाइड्रोजन आप लगा सकते हैं, यहाँ से ही आप नंबरिंग कहाँ से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं और यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। तो अब आपको क्या देखना है कि आप कहाँ से शुरू करें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हेट्रो एटम प्रेजेंट है, अच्छी बात है, लेकिन ये लॉन्गेस्ट पाथ नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि आप ब्रिज एटम से शुरू करेंगे और सेकंड ब्रिज एटम पे जाएंगे लॉन्गेस्ट पाथ से, वहाँ हेट्रो एटम को आपको पहले नहीं देखना है, लॉन्गेस्ट पाथ हो जाए उसके बाद आपको चेक करना है। तो आप देखेंगे कि ये लॉन्गेस्ट पाथ है, ये लॉन्गेस्ट पाथ नहीं है, तो नंबरिंग शुरू तो यहाँ से होगी लेकिन इधर नहीं जाएगी, यहाँ से जाएगी।
अब आप देखेंगे कि अगर आप यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे तो डबल बॉन्ड पास आएगा, और यहाँ से शुरू करेंगे तो डबल बॉन्ड दूर आएगा। इसलिए हमने नंबरिंग कहाँ से शुरू करी, यहाँ से। तो नंबरिंग कैसे हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 के बाद सेकेंड ब्रिज आइटम से वापस फर्स्ट ब्रिज आइटम पे जाना है, तो 8, 9, 10 और लास्ट में ये 11। ये आपके हो गई नंबरिंग। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नंबरिंग का। अब नंबरिंग होने के बाद आपको चेक करना है हेट्रो एटम कौन कौन से हैं और कौन सी पोजीशन पे। तो आप देखेंगे हेट्रो एटम जो है, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो आपको मैंने बताया था कि जब हेट्रो एटम का आप लिखेंगे प्रीफिक्स तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन पहले आता है, पोजीशन क्या है 10 और 11। तो क्या आ जाएगा, 10, 11। अब देखिए एक होता तो ऐसा आता है, दो है तो डाय ऐसा आ जाएगा। इसके बाद ऑक्सीजन कौन सी पोजीशन पे, 8th पोजीशन पे, तो 8 ऑक्सा। समझ में आ गई बात, 10 11 डाय ऐसा और 8 ऑक्सा। उसके बाद बाय साइक्लो आप लिखते ही हो। बाय साइक्लो लिखने के बाद आप क्या देखेंगे कि ये ब्रिज एटम है, ब्रिज एटम के बाद कितने एटम आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 इधर आ गए, 1, 2, 3 इधर आ गए और 1 इधर आ गया। तो 5, 3 और 1, इसका सम करेंगे तो 9 हो रहा है। इसका अंदर टोटल एटम कितने, 11 है, ठीक है। इसके बाद जब इसका आप नाम लिखेंगे तो 10 के लिए डेका आता है, उसके बाद 11 के लिए जो है अनडेका आता है। क्या आता है, अनडेका। अब सिंपल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड नहीं होते तो अनडेकिंग लिख देते हम, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमने क्या लिखा, अनडेका। उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन आपको बतानी है, तो एक पोजीशन है 1, एक है 5 और एक है 9। तो आपने क्या लिखा, 1, 5, 9, कितने डबल बॉन्ड हो गए, 3। तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइईन। क्या हो जाएगा, ट्राइईन। तो ये इसका नाम हो गया। तो आपको ध्यान रखना है अगर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो आपको बेसिक्स वही रखने। हाँ, अगर डबल बॉन्ड में और हेट्रो एटम में आपको ऑप्शन हो तो आपको हेट्रो एटम को प्रेफरेंस देनी नंबरिंग के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन है तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये इसका नॉमेनक्लेचर है। नेक्स्ट एग्जांपल है। अब देखिए देखने में थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा है क्योंकि जो पहले आपने रिंग बनाई थी उससे थोड़ा डिफरेंट है, फिर भी आप देखेंगे कि ये ब्रिज एटम है, ठीक है। बनाने का तरीका है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। ये ब्रिज एटम है तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, चॉइस है आपके पास। फिर आप देखेंगे कि चाहे यहाँ से करें चाहे यहाँ से करें, एक ही बात है। उसके बाद आप देखेंगे कि लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है, तो ये वाला पाथ और ये वाला पाथ बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है। तो आप चाहे यहाँ से शुरू करें चाहे यहाँ से शुरू करें, एक ही बात है। तो नंबरिंग जो शुरू करी वो यहाँ से करी हमने, 1, 2, 3, 4, उसके बाद सेकेंड ब्रिज आइटम से वापस फर्स्ट, 5, 6 और ये 7, ठीक है। तो जब आप नाम लिखेंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे हेट्रो एटम कौन सा है और कौन सी पोजीशन पे। तो हेट्रो एटम नाइट्रोजन है और 7th पोजीशन पे है, तो क्या आ जाएगा, 7 एजा। उसके बाद दो रिंग प्रेजेंट है तो क्या आ जाएगा, बाईसाइक्लो। उसके बाद बाईसाइक्लो बाद देखेंगे ब्रिज एटम के अलावा कितने एटम है, 2 एटम इधर है और 1 इधर है, तो ये हो जाएगा 2 to 1, ठीक है। इसके बाद टोटल एटम कितने हैं, 7। तो देखिए 2 to 1 का सम 5 होता है तो 2 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, 9 हो जाएगा। तो नोन इन आना चाहिए था लेकिन क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट, सॉरी 7 है यहाँ पर, ठीक है, 5 प्लस 2 7 है, तो हेप्टेन आना चाहिए था। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमने क्या लिखा, हेप्टा। उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, सेकेंड और फिफ्थ पोजीशन, तो हमने क्या लिखा, 2, 5 डाय इन। तो ये आपने देखा 7 एज अ बायसाइक्लो, 2 to 1 हेप्टा, 2, 5 डाय इन। तो ये था आपके रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ ब्रिज्ड हेट्रोसाइकल्स में। आपका फर्स्ट जो पार्ट था बायसाइक्लिक सिस्टम, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ ब्रिज हेट्रोसाइकिल, उसमें हम पढ़ेंगे पॉलीसाइक्लिक सिस्टम, ठीक है। पॉलीसाइक्लिक सिस्टम भी लगभग बायसाइक्लिक जैसा ही है। तो अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तो पॉलीसाइक्लिक भी आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो छोटा सा 2-3 एग्जांपल दे रखे हैं, तो ये आपके जो नॉमेनक्लेचर का पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में आपके कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।